तुम उदास क्यों? टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। और वैसे भी इतने प्यारे चेहरे पर ना टेंशन अच्छी नहीं लगती। जाओ और जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ। जी, आई मीन थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। अपनी तो आदत है सच बोलने की। वैसे एक बात बताओ, मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा समझदार लड़की कोई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी क्या देख रही है इसकी आंखों में? हाँ, मैं कहा कुछ देख रही हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ और जाओ जाके देखो कि दादी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्यों, मैं चली जाऊंगी तो मेरी प्यारी भाभी गजल के पास कौन रहेगा? मैंने कहा जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी भाभी वाभी नहीं है, अभी इसका निकाह हुआ नहीं है, जो तुमने पहले से रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी जाओ, निकलो, जा। तुम जो भी हो, मेरी बेटी से चार कोस दूर रहना। आई बात समझ में? मतलब ऐसे तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगी ना, नूर से दूर रहो। नूर, नूर आपकी बेटी है, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी तरह हसीन है। आंटी जी, मैं आपकी बेटी से दूर ही हूं, अभी पास आया कहां। पर आप तो फिजूल में नतीजे पर पहुंच रही बिना वजह। दांत दिखाना बंद कर अपने, ये कर रहा है। दुनिया देखी है मैंने, तू जैसे मर्दों की नजर ना बखूबी पहचानती हूं मैं। इतना पता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों? इतना बता दे राह दिखा दे, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। तुम कुछ भी कर लो, दुआ है तो मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम दुआ किसी कोने में पढ़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे, चाहे धूप हो या हो तूफान हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया दिल क्यों दुखा दिया, जानता था जान है वो फिर भी जुदा किया। इतना बता दे आ राह दिखा दे के ये गम की शाम। इसे भी तो पता चले कि इसकी बिसात क्या है। मैं तो इसे फरिश्ता समझकर मेरे घर ले आई थी, लेकिन ये तो नागन निकली जिसने अपनों को ही डस लिया। इसकी जलन और हसन मेरे बच्चों की खुशियां खा गई। मेरे घर को उजाड़ने वाली, तुम्हारा भी घर कभी कभी सलामत नहीं रहेगा। घर घर भटको
होगी लेकिन तुम्हें कभी खुशियां नसीब नहीं होगी। तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम बाबूजी आप तो मुझे समझते हैं ना, अम्मी की आंखों पे तो जज्बात का पर्दा पड़ा है, आप अम्मी को समझाइए ना। क्या समझाऊं बेटा, तुम्हारी अम्मी ऐसा क्या गलत कह रही है जो मैं इसे समझाऊं? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुम गलत जा रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? माफ करना बेटा, माना कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मगर उस प्यार में अंधा नहीं। रुहान और गजल की शादी से हीना को एक नई जिंदगी मिली थी। इतने सालों के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में चमक देखी थी। गजल की इस घर में शादी कराकर हीना उसके अब्बू रहमानी साहब की रूह को सुकून पहुंचाना चाहती थी। मगर तुमने एक मरहूम की आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया। मैं तुम्हें क्या समझता था बेटा, और तुम क्या निकली? हीना चलो कमरे में अंदर चलो। भाभी संभालिए खुद को। हाय गजल अपने मकसद में कामयाब हो गई। मुझे कहा था वो सबको मुझसे छीन ले। कह रही है मैम सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, हम हार गए भाभी। किसी को मेरे यकीन नहीं है मैं कहती रह गई पर। उठिए दादी, अम्मी उठिए, गजल के नापाक इरादों के बारे में सबको बता दीजिए। उठिए, हिम्मत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आखिर गजल गई कहाँ? ये सब्जी वाले ने तो यही कहा था। गजल या अल्लाह मदद। उठ सकती है दादी मैं। बहुत खूब, अब कर सकती है, शाबाश। कोशिश करती रहिए। शाबाश दादी अम्मी। शाला दादी अम्मी संभाली। पानी पीजिए आराम से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ।
गजल को बेनकाब करने की बेचैनी में मैंने आपको तकलीफ में डाल दिया। मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा अपनी किस्मत आजमा लूं, पर मैं कितनी बड़ी खुद कर दूं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर देना दुआ। भाई साहब, आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? दुल्हन के जोड़े में बड़ी परेशान सी थी वो, घबराई सेमी। अरे यहाँ सब परेशान है साहब, हम किस किस को देखेगा, कोई नहीं आया यहाँ। एक सेकंड, कम से कम ये फोटो तो देख लीजिए, ये शायद इन्हें देखा। अरे जाओ साहब, बोला ना कोई नहीं आया। हेलो बॉस, ये तुम्हारी गाड़ी से लटक था, उसी लड़की का। अरे जाओ ना भाई, कितनी बार बोला है। मैंने उसके एक दोस्त को भी कॉल किया, पर उसने बताया कि रूहान अपने किसी भी दोस्त को कुछ भी कॉल करके नहीं बताया, जिसे कुछ पता चल पाए। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। कहाँ गया भाई, मतलब क्या तुम बोल क्या रहे हो? दुआ, दुआ, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो गुस्से में निकला था मेरा बच्चा, फिर अगर अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर उसे कुछ हो गया तो। दुआ, तुमने उसे बोला था ना जाने के लिए? दुआ, तुम्हें कहा है मेरा बच्चा, कहा है मेरा बच्चा, कहा होगा? हाँ फिक्र मत कीजिए रूहान की, अभी मैं रूहान को फोन करती हूँ, वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। फोन उठा रूहान। रूहान ने फोन काट दिया। फिर से लगा के देखो। दुआ क्या हुआ? फिर से काट दिया। रूहान का ये फोन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हे, वॉशरूम कहाँ पर है? बाहर से राइट। सच में बहुत हेल्पफुल है, शुक्रिया। मैसेज आया है। क्या 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 लिखा है उसमें? आप सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, बहुत दूर। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उस बदतमीज गजल ने मेरे हैदर को बदनाम करने की कोशिश की, पर वो भूल गई थी कि अभी मैं जिंदा हूं, और
जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने हैदर की आबरू पे आंच भी नहीं आने दूंगी। आप ये सबूत गजल के इरादों की धज्जियां उड़ा देगा। आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है भाभी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे गजल का खात्मा नजर आ रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। उस कोने में देखिए, आपको कौन नजर आ रहा है? उस बदसाद गजल का प्यारा फुप्पीजाद भाई। जिनकी आंखों का तारा बने बैठी है ना, वो ही उसे धक्के मार के घर से निकालेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गजल रहमानी। कल तक जो खानदान मुझे अपना समझता था, आज मुझे दुश्मन समझता है। आपको लगता है कि हैदर को बदनाम करने के पीछे और रूहान का निकाह तोड़वाने के पीछे मैं जिम्मेदार हूं? आज मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आई। ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आखिर किसने बनाया। वीडियो को गौर से देखिएगा, इस साजिश का गुनहगार आपको साफ नजर आ जाएगा। शायद दुआ को मालूम हो गया है कि इस सब में गजल का हाथ है। बहुत अच्छा, अब गजल नहीं बच पाएगी। या अल्लाह, बस अब मेरा रूहान जहां कहीं भी हो सही सलामत घर वापस आ जाए। अब तुम नहीं बच पाओगी गजल। जान बचा लेना, अगर पांव फिसला तो सीधा कब्र में जाऊंगी, लेकिन जाना तो मुझे मेरे हैदर की बाहों में है। हैदर, तुम्हारी दुल्हन बनने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। मुझे मुझे बचा लेना। गजल, गजल क्या कर रही हो? गिर जाओगी, पीछे हटो। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ करना, मैं आ रही हूं। अगर लगता है तूने बहुत गलत कदम उठा लिया है गजल, अब तू नहीं बचेगी। चलो कोई नहीं, अगर मरना ही है तो मैं अकेले नहीं मरूंगी। मेरा हैदर मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। हम एक साथ जी नहीं सकते, एक साथ मरेंगे जरूर। जिंदगी ने साथ रहने का वक्त नहीं दिया, मगर मौत हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी। तुम मेरे हो, हमेशा मेरे रहोगे हैदर अख्तर। तुम मेरा इश्क नहीं, मेरा जुनून हो। हैदर छोड़ो मुझे। नहीं, हाथ मत छोड़ना। मैं नहीं बचूंगी तो हैदर भी नहीं बचेगा। अब दर्द का सिलसिला खत्म होने वाला है। हम मरने वाले हैं। कोई नहीं मरने वाला, ना तुम ना मैं। नहीं हैदर, तुम हमेशा मुझे नहीं बचा सकते हैदर। मुझे मरने दो हैदर। मेरे सीने में एक राज दफन है हैदर, मैं अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती।
गजल, ये बेफजूल की बातें करने का वक्त नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी गजल, भरोसा रखो, खुदा के लिए हाथ में छोड़ना। हम अब किसी और जहान में मिलेंगे हैदर, मुझे माफ कर देना हैदर, मुझे माफ कर देना। मुझ बदनसीब की किस्मत में ये सब नहीं है, खुशी की ख्वाहिश ऐसे ही पैदा नहीं होती हैदर। तुम्हारे खानदान ने मजबूर किया है मुझे, तुम्हारा खानदान है मेरी बर्बादी की वजह, तुम्हारा खानदान है मुझे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने की वजह। लगता है तुम अपने होश पूरी तरह खो बैठी हो। तुम किस पे तोहमतें लगा रही हो? मेरे खानदान पे? हमारे घर में तुम्हें पनाह मिली मेरी अम्मी की वजह से। मेरी अम्मी जो तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती है, उन पे तुम तोहमतें लगा रही हो, जो बेहिसाब तुम्हें मोहब्बत करती है। इसे मोहब्बत नहीं खैरात कहते हैं। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बेटी का दर्जा भीख में दिया है दर। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। वो सच है जो आज तक मेरे दिल में खटकता रहा है, जिससे मेरी जिंदगी बदल के रख दी, बर्बाद कर दी। एक पल के लिए मैं मान भी लूं, जो दुआ ने किया वो गलत था, मान की अम्मी के बहकावे में आके जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी, उनके खिलाफ एक लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा गजल, क्योंकि मेरी अम्मी खुदा की दी हुई नेमत है, नेकी सच्चाई और मोहब्बत का फरिश्ता है। और किस इंसान पे इल्जाम लगा रही हो तुम? उस इंसान पे जिन्होंने हमेशा तुम्हारी तरफदारी की, उस इंसान पर जिसका सबसे बड़ा ख्वाब तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना था, जिसे तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा, बेटी से ज्यादा मोहब्बत दी, उस पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसे तुम फरिश्ता समझते हो वो मेरे लिए मेरी अम्मी की कातिल है। लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूँ हैदर। ये वो सच है जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं अब भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो सुनो, मैं कबूल करती हूं, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। शरारत में जिस चेहरे को चूम लिया करती थी उसे कुचल दिया गया, जो आंखें मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी उन्हें हमेशा के लिए भून दिया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्हें ख्याल तक नहीं आया कि जिसे वो पीट रहे हैं उसकी मासूम सी बच्ची है। एहसास तक नहीं आया कि जिसे वो पैरों तले कुचल रहे हैं वो मेरी जन्नत है। भीड़ ने मेरी अम्मी को मार दिया, अब वो मेरी अम्मी को अस्पताल लेकर गए,
लेकिन मेरी अम्मी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं आज भी अपनी अम्मी को ढूंढती हूँ हैदर। लोग अपनों को याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप हर साल उस गैर लड़की को याद रखते हैं। नेकी का काम है, फर्ज है हमारा। हमें ऐसा दिल अल्लाह सबको दे। आपकी नेकियों की वजह से ही तो अल्लाह ने हमें तरक्की अता की। तुम्हारी अम्मी ने बहुत सी नेकियां की हैं। अपने गुनाह की शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर बहुत सारे एहसान किए। अगर उससे क्या होता है हैदर? क्या वो मेरे 22 साल वापस लौटा सकती है? क्या वो मेरा बचपन वापस लौटा सकती है? क्या वो रातें जो एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढते हुए गुजारी, क्या वो वापस मिल जाएगी? तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया था हैदर, उन्हीं की वजह से मेरी अम्मी मार दी गई। और सबसे बड़ा गुनाह तो तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू की जान लेकर किया। तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू से बहुत से वादे किए थे, लेकिन निभाया एक भी नहीं। तुम्हारी अम्मी को 20 साल पहले ही जेल हो गई होती, मगर मेरे अब्बू ने उन पर मुकदमा नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया। बदले में अब्बू को मिला धोखा और मौत। कुछ बरस पहले मेरे अम्बू की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर। मेरे अब्बू उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने सोचा कि मुझे कब तक खानदान के सपोर्ट कर दिया जाए, और इसीलिए तुम्हारी अम्मी के सामने हमारे रिश्ते की तजवीज रखी। मुझे अपनी बेटी के लिए आपका बेटा हैदर दे दीजिए। गजल को इस घर की बहू बना लीजिए। तुम्हारी अम्मी ने वादा किया था तुम्हारा निकाह मुझसे करा के वो अपने गुनाह की कीमत अदा करेगी जब वक्त आया तो। तुम्हारी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हैदर का निकाह और आपकी बेटी से? ये कैसे मुमकिन है रहमानी साहब? हैदर का निकाह कहीं और तय हो चुका है। मेरे अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो वक्त से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। तुम्हारी अम्मी ने मुझसे मेरा आखिरी सहारा, मेरे अब्बू भी मुझसे छीन लिए। तुम्हारे घर में तुम्हारे निकाह की शहनाइयां बज रही थी हैदर, और मेरे घर में मेरे अब्बू का जनाजा उठ रहा था। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी पेशानी चूमकर तुम्हें दूल्हा बना रही थी। सुनो मुझे। मैं जानता हूँ इतने सख्त अल्फाजों का क्यों इस्तेमाल कर रही हो तुम। तकदीर ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इसलिए ना। तकदीर ने नहीं हैदर, तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी बीवी ने। मैं समझ सकता हूँ गजल, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रही थी ना, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मी और दुआ ऐसा कुछ कर सकती है। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बेवजह कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? और वो भी मेरे घर वाले, ये मैं मान नहीं सकता। फिर भी अगर तुम कहती हो ना तो उनसे मैं एक बार बात करूंगा, और अभी और दुआ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दो। हैदर, भूल हो जाने पर माफी मांगी जाती है, लेकिन जो जान बूझ कर किया जाए उसे भूल नहीं कहते। और तुम तो अपने अम्मी के ही बेटे हो ना, तुम कैसे अलग हो सकते हो? तुम्हारी अम्मी ने भी 4 आंसू बहाए, माफी मांगी, 10 वादे किए, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं है दर। और तुम भी तो वही सब करोगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुआ तुम्हारी सारी कोशिशों पे पानी फेर देगी, जैसे उसने अम्मी की कोशिशों पे फेर दिया। सच कहूं हैदर, आज तुम्हारी अम्मी के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। अल्लाह करे कि उन दोनों को। प्लीज अपने मुंह से दुआ और अम्मी को बद्दुआ मत दो। मेरी अम्मी और दुआ मेरे लिए सब कुछ है। देखो उनकी तरफ से मैं तुमसे फिर माफी मांगता हूं।
यकीन करो मेरा, जितने भी दुख तुमने झेले हैं अब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, पहले से बेहतर कर दूंगा, ये वादा है मेरा। चाहे मुझे किस भी हद तक उसके लिए जाना क्यों ना पड़े। वादा करके अपने ही जाल में फंस गया। जज्बात में आकर वादे करना बहुत आसान होता है हैदर, लेकिन उन्हें पूरा करना हर पत्थर पर लकीर डालने जैसा होता है। तुमसे नहीं हो पाएगा हैदर। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मानो मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं है, मैं बर्बाद थी, बर्बाद हूँ और बर्बाद रहूं। भाभी रुक जाइए प्लीज। नहीं कायदा, मत रोको मुझे, जाने दो। अरे अभी से क्या हो गया, अब कहाँ जाने की बात करिए। गुलनाज, तू अपने होश में नहीं लग रही है, जाके रोको इसे। जी रुक जाएगा, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे मेरे हैदर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ दुआ, क्या कर रही हो, हीना की तबीयत देखिए। मैं उसकी तबीयत और खराब नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी अम्मी की ममता और दुआ की वफादारी की कसम, जितनी बिना इंसाफियत तुम्हारे साथ हुई आज के बाद नहीं होंगे। तुम्हें कभी दोबारा गम की सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। ये मत कहना ये किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। तो क्या आज के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी खुशी मेरा फर्ज है। मुझे मत रोके, मुझे हैदर के पास जाना। वो गजल सब बर्बाद कर देगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हट जाइए मेरे रास्ते से। मुझे तुम कहीं नहीं जाओगी, याद रखना। अगर तुमने अभी घर से बाहर कदम निकाला तो वापस मत आना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। दुआ ने मेरे बच्चे को गजल से बचाया, उसका एहसान है, मगर आज उसे घर से निकाला जा रहा है। अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो संभली नहीं जाएगी। मुझे दुआ को रोकना होगा। तुम सबने मुझे खिलौना समझ के रखा है। तुम्हारे नाम से बदनाम हुई, या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। हैदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अभी तो रोक लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे हैदर। हर लम्हा तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते ना। आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगी। यहाँ नहीं तो अपने घर की छत से कूद जाऊंगी, वहां नहीं तो घर के अंदर मर जाऊंगी, पंखे से झूल जाऊंगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हैदर। जो कल होना है उसे आज होने दो। हमेशा
दरवाजा खोलिए। अम्मी ऐसा मत कीजिए, अम्मी मेरा शौहर मुझसे छिन जाएगा। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत बर्बाद हो जाएगी, दरवाजा खोलिए। जो कुछ भी बर्बाद हो रहा है ना, वो तुमने खुद अपने हाथों से किया है। किसी और के सर पे इसका इल्जाम मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस दीवानगी का फैसला अब हैदर आएगा ना, तभी होगा। अम्मी कहीं जाइए मत, अम्मी अम्मी अम्मी। गजल को कुछ नहीं हो सकता है, दूसरे बच्चा लो मेरी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं गजल को ढूंढ कर लाऊं। पराई लड़की को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अख्तर खानदान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेचारी गजल उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। अब भला कौन निकाह करेगा इससे? ये सब दुआ की करतूत है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ के गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। आज के बाद किसी को सहारा देने की झूठी कसम मत खाना हैदर। अलविदा हैदर। मुझे मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरे शौहर मुझसे छिन जाएंगे, अम्मी आपका बेटा हमसे छिन जाएगा, वो लड़की हम सबको बर्बाद कर देगी। अबू जी कम से कम आप दरवाजा खोल दीजिए। गजल बहुत खतरनाक है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है, मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। अगर देर हो गई तो अम्मी आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मैं दुआ को क्या जवाब दूंगा? दुआ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फिर से पलटने वाला है। इधर तुमने मेरा दिल रखने के लिए ये सब कहा है क्या? वो जात पागल हो चुकी है, उसे लगता है वो मुझसे मेरे हैदर को छीन लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरे हैदर सिर्फ मेरे हैं। मंगनी हो गई, हल्दी हो गई, यहां तक कि मेहंदी भी हो गई, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और हैदर को एक होने से रोक सकती हो? मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। अगर उसके ख्वाब पूरे हो गए तो, अगर उसके जुनून ने मुझसे मेरे हैदर को जीत लिया तो, उसने पहले अल्ताफ को बताया, फिर घर वालों की हमदर्दी जीत लिया, सबको अपने काबू में कर लिया। अल्लाह मियां ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी। रूहान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। दादी अम्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया, अपने मकसद के लिए उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। ये नाम मेरी हथेली पर मैंने खुद लिखा है, तो क्या ये सब भी झूठे हैं? ये सब भी झूठे हैं? उसने इतना सब कर लिया, अगर उसने इधर को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया तो मेरे क्या होगा? मैं ये सब कैसे रोकूं? उस बच्चात ने मेरे हैदर को जिंदा जलाने की कोशिश की। निकालो मुझे यहां से, कोई है? वो अभी बुलावा जब परेशान नहीं हो रही है, वो गजल कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसमें हैदर भाईजान फंस जाएंगे। तुम सही कह रही हो काना, तो गजल ने चैलेंज किया, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, और गजल को सिर्फ दुआ भी रोक सकती है।
इन्हें कमरे से बाहर लाना बहुत जरूरी है। रवि भाई जल्दी दरवाजा खोलिए। रवि पीछे हटो, पीछे हटो वहां से। जिस शख्स को अपना भाई मानते हो उसकी बदनामी करने वाली लड़की का साथ देते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती रवि? और कायनात तुम, तुम्हारे तो पर ही निकल आए हैं। बात बात पर मेरे खिलाफ जाती हो। नाफरमानी करना तो तुमने अपनी आदत बना ली है। जैसे अपनी हरकतों की वजह से दुआ मेरी नजरों से गिर गई है, अगर तुम भी ऐसा ही बर्ताव करती रही ना तो तुम भी मेरी नजरों से गिर जाओगी और दुआ की तरह मुझे अम्मी कहने के हक से तुम भी महरूम हो जाओगी। अगर अम्मी, मैंने कहा ना कोई बहस नहीं चाहिए मुझे, ये मेरा फैसला है, जो कह दिया सो कह दिया, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। आई बात समझ में? अब हमें इसमें ताला मारना पड़ेगा। अभी नहीं, नहीं अभी ताला मत लगाइए। अभी हम समझ नहीं रही हम कितनी बड़ी गलती करी है। हम यह समझ कीजिए, आपके बेटे को, मेरे हैदर को मेरी जरूरत है। हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। दरवाजा खोलिए अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। अम्मी जी मैं कह रहा था भाभी को। तुम लोग गए नहीं अभी तक? जाओ। गजल कुछ कर बैठे, इसके पहले मुझे दुआ से बात करनी पड़ेगी। वक्त बहुत कम है, मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। उसके साथ तेरी सफाई करनी पड़ेगी जिसने हमेशा वफा की कसमें खाई। कितनी बंदिशें लगाएंगी आप? मैं उस गजल को कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने हैदर को इससे बचा के रहूंगी। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मौला? जिस लड़की ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। मदद कर मेरे मौला। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? पहले ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है, अब क्या हमारी जान देना चाहती है? दिल तो चाहता है कि खुद को कुछ कर लूं ताकि इस नौ मुराद को तो सुकून मिले। या अल्लाह परेशान करके रखा है। भरोसा रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस हैदर को वापस आ जाने दो। कुछ ठीक नहीं होगा, बर्बादी की वजह तू बन रही ही ना। सुन ले दुआ की बात, वरना तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। तेरे आंसू खत्म हो जाएंगे, रोना बंद नहीं होगा। मैं तेरे खानदान से अपने अम्मी और पप्पू की मौत का बदला ले रही हूँ। तू तो क्या, कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। कुछ ही देर में सूरज डूब जाए। गजल के दिए हुए वक्त से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो पागल पता नहीं क्या कर बैठेगी। मैं क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करूंगा? लो, लो, दूर हटो। आप, मेरे जूते मारिए आप। दूर हटो मुझसे। प्लीज मैंने कहा दूर हटो मुझसे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश भी की तो। तुम्हारा नाटक बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। नाटक मैं नहीं, नाटक आपकी भाभी दुआ बेगम कर रही है। पहले उसने रवि से बोलकर मुझे पिटवाया,
फिर अब हम मुझे बचाने का नाटक कर रही है। मैं तो अपनी बहन को मुबारकबाद देने आया था, लेकिन आप लोगों ने ऐसे ऐसे इस्तकबाल किया मेरा, लात घूसों से जूतों से। काश मैं यहां पर आता ही नहीं। ये कितना बड़ा झूठ है। झूठ बोल रहा है ये भाभी के रोने और चीखने की आवाज पे हंस रहा था, मजाक बना रहा था उनका। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस पे हाथ उठाया। भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं पड़ता है। वो तो मुझे इस पाखंडी को मारने से रोक रही थी। और ये शैतान है, शैतान। कुछ जितना मारो उतना कम है। बस चुप हो जाओ तुम। एक और लफ्ज नहीं रवि, दिन भर अपने दुआ भाभी की चमचागिरी करते रहते हो। अब अगर तुमने एजाज के खिलाफ एक भी गलत लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहा सवाल दुआ का, तो उसने खुद अपना मजाक बना लिया है, इसीलिए उस पर कोई हंसे तो उसमें उसका क्या कसूर है। वाह, गजल की मोहब्बत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको अपनों, गैरों, दोस्तों और दुश्मनों का फर्क नजर नहीं आ रहा। ये जुबान अख्तर खानदान के बेटी की हो ही नहीं सकती। ये बदगुमान लहजा तुम्हारा नहीं, उस बद जुबान दुआ का है। लत के खिलाफ बोलना आपने ही सिखाया था ना मुझे, लेकिन अफसोस कि मैं आज आपके खिलाफ खड़ी हूँ। मम्मी, या अल्लाह, सुन रहे अपराध साहब क्या बोल रही है ये कायनात। कायनात क्या बदतमीजी है, जबान संभाल के बात करो। तुम अपनी अम्मी से बात कर रही हो। अम्मी से नहीं, उस औरत से बात कर रही हूँ जो गलत है। मेरी अम्मी होती ना अब तो मर जाती, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करती। लेकिन आज इन्होंने इतना इंसाफी की, सारी यादें बाहर कर दी। आज तो बोलना पड़ेगा, गजल की मोहब्बत में ये दुआ भाभी की सारी कुर्बानियां भूल गई अब्बू, जिनकी कसमें खाया करती थी। अचानक से इन्हें दुआ भाभी की किसी बात पर यकीन नहीं रहा, क्यों? पर अब्बू आप भी इस ना इंसाफी में बराबर के हिस्सेदार हैं। भाभी आपको वीडियो दिखा के सब सच बताना चाहती थी कि ये दोनों इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस अब्बू कि आप दोनों ने वो वीडियो देखा तक नहीं और फोन तोड़ दिया। आप जानते हैं कि वो वीडियो तक नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो भी डिलीट कर दिया गया है। अगर होता ना अब्बू तो दिखाती आप दोनों को, जब आप दोनों का सर शर्मिन की से झुक जाता। अम्मी चुप हो जाओ तुम कायनात, चुप हो जाओ। अम्मी कायनात बिल्कुल सच बोल रही है। आप खुद सोचिए, जैसे ही एजाज और गजल का पर्दाफाश होने वाला था उसी वक्त रोहन ने वो वीडियो डिलीट क्यों की। रोहन के घर से जाते ही उसका रास्ता हमसे टूट क्यों गया। और रोहन के घर से जाते ही एजाज घर में कैसे आ गया। हम भी ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ये सब गजल और एजाज की सोची समझी साजिश है। वरना रोहन वो वीडियो अहम वक्त पर डिलीट क्यों करेगा। मैं एक बार सोच के तो देखिए।
जाने कब से आपका ये तमाशा चलते आ रहा है। है तू? न जाने अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के और कितने तमाशे करेंगे आप। अपने गुनाहों को कब तक छुपाने का इरादा है आपका? ये क्या तरीका है अपनी अम्मी से बात करने का? तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, तमीज से बात करो। अब अम्मी कभी नहीं आएगी क्योंकि अम्मी मर चुकी है। और जानते हो ये सब किसकी वजह से हुआ? हीना अख्तर, इन्होंने मुझसे मेरी अम्मी को छीन लिया, मेरी अम्मी को जान से मार दिया। और किस गुनाह की बात कर रहे हो तुम? वही गुनाह जो 22 साल पहले हुआ था। वही गुनाह जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वही गुनाह जिसने एक लड़की को बेसहारा कर दिया। वही गुनाह जिसने उस लड़की को यतीम कर दिया। मैं जान चुका हूं कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी। अगर हम उन्हें बताते तो उन्हें समझाना आसान होता, और आप उन्हें किसी और ने बताया है, अब वो आप ही को गुनहगार मानेंगे। अम्मी क्यों किया आपने ऐसे? अम्मी आपने मुझे ऐसी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा। बचपन में जब मुझसे गलती हो जाती थी तो मैं क्या करता था? मैं आपके गले लग के अपनी गलती का बोझ हल्का कर देता था। क्या ये उसूल सिर्फ औलाद का है, माँ बाप के लिए नहीं है? तो क्यों आप मेरे गले नहीं लगे? गले लग के रोई क्यों नहीं? अपनी गलती का बोझ हल्का करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की? अम्मी आप खुद कहती थी ना एक माँ से ज्यादा था मेरी दोस्त है, लेकिन आपने तो मुझे गैर बना दिया, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, तो तुम्हारी नजरों में गिरने का खौफ था मुझे, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई। मुझे डर था तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जान सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब बर्बाद तो अब होगा। एक ऐसा तूफान आएगा जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं। Hey!
तो गजल कहाँ है? तुम तो उसे ढूंढने के लिए गए थे ना, वो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? जाओ और दुआ से लेकर आओ मुझसे निकाह करने की इजाजत। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। अभी मुझे दुआ से जरूरी बात करनी है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो लेकिन बताओ तो सही, वो गजल ठीक तो है ना? प्लीज मुझे अकेले नहीं दुआ से बात करने दीजिए, क्योंकि मेरा बात करना दुआ के साथ बेहद जरूरी है। प्लीज चलो दुआ। अगर आज मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की होती, सही वक्त पर नहीं पहुंचा होता, तो गजल अपनी जान ले लेती। दुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजल और खुदकुशी, वो हम सबकी जान ले लेगी पर खुद को खरोंच भी नहीं आने देगी। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक है। नाटक? कुछ नहीं, वो उसने खाई में छलांग लगा दी थी, मैंने उसे बचाया। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही है। कैसा मर गया है तुम्हारा? एहसास मर गया होता ना हैदर, तो मैं अपने खानदान के खिलाफ नहीं जाती और एक औरत हूँ, इसीलिए दूसरी औरत की फितरत बखूबी समझती हूँ। एक औरत वो चीज है जो अगर बनाने पे आए ना तो बिगड़ी हुई किस्मत भी बना सकती है, और अगर बिगाड़ने पे आए तो घर तो बहुत छोटी चीज है, हुकूमतों को बर्बाद कर देती है। आप समझ नहीं रहे हैं इधर, गजल के सर पे शैतान सवार है, वो कुछ भी करके हमारे खानदान को हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है इधर, और ये सब कुछ एक ढोंग है। और कुछ ढोंग है? गजल की जिंदगी बर्बाद होगी, ये ढोंग है हमारी अम्मी की वजह से, उसकी अम्मी की जान चली गई, क्या ये ढोंग है? हमारी वादा खिलाफी की वजह से उसके अब्बू की जान चली गई, क्या ये ढोंग है? आज मेरी आंखों के सामने वो खुद अपनी जान देने वाली थी, क्या ये ढोंग है? ये सब तुम्हें पहले से पता था ना दुआ? तुम्हें पता था ना कि गजल इस घर में पनाह लेने क्यों आई है? मेरे लाख इनकार करने के बाद भी तुमने इस घर में उसे पनाह दी, मुझे कुछ नहीं बताया, है ना? क्यों? मैं आपको बताना चाहती थी पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं क्या करती? मैं बात नहीं सुनी, बताना चाहती थी तुम, और कितना झूठ बोलोगी तुम, बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इधर, मैंने आपको बताने की कोशिश की। बताने की कोशिश करना और बताने में फर्क होता है दुआ, ना बताना भी झूठ के बराबर होता है। कितनी अफसोस की बात है कि गजल की बर्बादी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनसे मैं बेहतर मोहब्बत करता हूँ। अमीन भारतो, मान लिया कि गजल झूठी है, चालबाज है, फरेबी है, मक्कार है, गलत है, लेकिन एक छोटी बच्ची से उसकी अम्मी को छीन लेना, क्या वो सही है? उसके अब्बू की मौत की वजह बनना, क्या वो सही है? उसके प्यार को उससे छीन लेना, उसका निकाह रुकवा देना, क्या वो सही है? ये सब गलत है दुआ, बल्कि गलत नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी ना कोई माफी हो सकती है, ना इसका कोई मोल चुकाया जा सकता है, इसकी सिर्फ सजा हो सकती है, और वो सजा मैं भुगतने वाला हूं।
बताओ कैसी दुनिया है ना अम्मी, जो दिखता है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़ी अम्मी, माय गॉड, इतनी भोली भाली सी, उन्हें देख के कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि वो मर्डर कर सकती है। चुप, बिल्कुल चुप। बाजी ने किसी का खून नहीं किया है, वो सिर्फ एक भूल थी। कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया, आप मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? मेरा बच्चा चुराया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया है। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे बच्चा चुराती हो तो अरे जी, क्या कर रहे हो इसको? मारिए, मुझे बताने दीजिए, मेरा है तो कहाँ है? अरे जिस शख्स ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, जिसे उसकी नेकी का सवाब मिलना चाहिए था, उससे उसकी बीवी, उसकी मासूम बच्चे की माँ छीन कर मैंने तो उसे जिंदगी भर की सजा दे दी। गजल बाजी की मजबूरी जानती है, उसने खुद को मजलूम बेचारा बताकर हैदर और बाजी का खूब फायदा उठाया है। वो दोनों के जज्बात से सिर्फ खेल रही है। मैं जान चुका हूँ कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी। आपके एक भूल की वजह से, आपके एक झूठ की वजह से, आपके एक गलती की वजह से, आपके एक गुनाह की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। अब हैदर ही फैसला ले कि गलत मैं हूँ या गजल। बीते हुए कल को छुपाने के लिए ना आने वाला कल खतरे में नहीं डाल सकती अम्मी, मुझे हैदर को बताना ही होगा। तुहा नहीं जरूर से सब कुछ बता दिया है। मैं गजल की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कैसी सजा है दर? वो सजा जो मेरी अम्मी को एक यतीम की बद्दुआ से बचाएगी, वो सजा जिससे मेरी बीवी पे किसी की जान लेने का इल्जाम नहीं आएगा, वो सजा जो मेरे खानदान को बचाएगी कि हमने किसी बेकसूर लड़की को बर्बाद कर दिया। आप कोई नहीं कह पाएगा तो कि मेरे भाई ने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे छोड़ के भाग गया। मैं एक भाई के लिए, एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर तुमसे हुई गलती की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे हमारे गुनाह का कफारा। मुझे क्या है था? गजल से निकाह करना पड़ेगा, गजल से निकाह करना पड़ेगा, गजल से निकाह करना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग लूंगा। मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ, गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ, गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ। अगर वो मर गए तो उसकी मौत का जो धाग है मैं अपने खानदान के दामन से कभी मिटा नहीं पाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अगर फैल की मौत क्या तुम्हारी इजाजत, क्या तुम्हारी इजाजत, क्या तुम्हारी इजाजत। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करूंगी। डॉक्टर को फोन कीजिए, मेरा फोन नहीं लग रहा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे एक मौका दे, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अभी दुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई, प्लीज आप डॉक्टर को फोन कीजिए, मेरा फोन नहीं लग रहा। प्लीज आप डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं आता हूँ। अमी, क्या हो गया आपको? अमी, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? मैं क्या बोल रहा हूँ, दुआ की तबीयत खराब होती जा रही है। अमी प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। मैं दुआ के लिए कुछ नहीं करूंगी, दुआ से मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ। आई बात समझ में? ये आप क्या बोल रही हैं अम्मी? कोई भी इंसान इस हालत में किसी गैर की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दुआ तो अपनी है, जब जब आपको जरूरत पड़ी दुआ ने आपका साथ दिया, और आप खैर कोई बात नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए हैदर, क्या सच में आपने दूसरा निकाह करने का फैसला कर लिया है? आपने दूसरा निकाह करने का फैसला कर लिया है? आपने दूसरा निकाह करने का फैसला कर लिया है? नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा हैदर, जवाब दीजिए। आज तक आप जो जताते आए हैं उस मोहब्बत की कसम खा के कहिए, आपने मेरी मोहब्बत बांटने का फैसला कर लिया है? बड़ा नाम है आपका, सब आपको इंसाफ पसंद कहते हैं, अपनी ईमानदारी की कसम खा के कहिए, क्या आपने सच में मेरी सौतन लाने का फैसला कर लिया है? जवाब दीजिए हैदर। कलामे पाक की कसम खा के कहिए कि आपने दूसरे निकाह का फैसला सोच समझ के किया है। डर लग रहा है? मैं आपकी सिर्फ बीवी ही नहीं बल्कि आपकी आधी जान हूं। आप कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं मुझे सब मालूम है। अगर आपके जहन में इस गुनाह का ख्याल भी आया होता ना तो मुझे एहसास हो जाता और मैं आपसे फिर कोई सफाई या कोई सवाल नहीं पूछती, ना ही इस घर में रहती। जो इज्जत सरेआम सबके सामने उसने गवाही, उसका क्या? सही मायने में गजल के साथ इंसाफ तभी हो सकता है दुआ, जब उसे वो इज्जत मिले
वो जगह मिले जो उसे रोहान नहीं दे पाया। जब वो इस घर का हिस्सा बने, उससे निगाह हो, गजल की जिंदगी संभालने का यही तरीका है तुम्हारा, और कुछ नहीं। और मेरी जिंदगी का क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद होने देंगे? गजल की जान बचाने के लिए, बेहया की जान बचाने के लिए आप मुझे मौत से बदतर जिंदगी देंगे? आप मेरी सौतन लेके आएंगे? ये गुनाह है। किसी को मरने से बचाना दुआ गुनाह नहीं, नेकी का काम होता है। किसी बेसहारे को जिंदगी देना सवाब होता है दुआ। दूसरे निकाह से तो खुदा की किताब इन हालातों में मना नहीं करती है। शायद यही अल्लाह की मर्जी। ये खुदा की मर्जी नहीं, एक मर्द की खुद करती है। मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो मालूम है कि दूसरे निकाह की इजाजत किन हालातों में दी जाती है। पुराने जमाने में जब सिपाही जंग पे जाते थे तो उनकी बीवियां बेवा हो जाती थी, बेसहारा हो जाती थी, बच्चे यतीम हो जाते थे। तब हमारे मजहब ने इजाजत दी कि एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हो सकती हैं, ताकि उन बेवाओं को सहारा मिल सके, उन बच्चों को, उन यतीम बच्चों को सहारा मिल सके, अच्छी परवरिश हो सके। मगर आज हालात बदल चुके हैं। एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आज औरत बेसहारा नहीं है, अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती है। तो वो लोग जो मजहब की आड़ में एक से ज्यादा निकाह करते हैं, उनके बारे में मजहबी रहनुमाओं को कुछ सोचना चाहिए। और ऐसे अच्छे मजहब, अच्छे उसूलों का गलत इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। बस जुबान ने मेरे साथ मुंहजोरी की, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। काश हम उसके असली रंग पहचान लेते राजसा, तो आज हमें ये तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। बस भी करो वीना, मेरा जी जल रहा है राज साहब। पता नहीं वो मेरे हैदर के कानों में कौन सा रस डाल रही है। तो पहले ही मुझसे नाराज है, वो मेरी जिंदगी का हासिल है राज साहब। अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। क्या बोल रही हो वीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ नहीं रहे राज साहब, जब तक दुआ इस घर में है ना, कुछ भी हो सकता है। कमबख्त मैं ही पागल उसे घर जोड़ने वाली समझ रही थी, और वो हमारा घर, हमारा खानदान तोड़ने वाली निकली। मुझे घर से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ। मेरी अम्मी कि गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा दुआ। दूसरे निकाह से तो खुदा की किताब इन हालातों में मना नहीं करती है। शायद यही अल्लाह की मर्जी। गजल से निकाह करना ही हमारे गुनाहों का कफारा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? जिससे मेरी जिंदगी रोशन होती थी, वो सूरज आज मुझसे छीना जा रहा है। मेरी जिंदगी को अंधेरे की गिरफ्त में धकेला जा रहा है। मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर। एक तरीका अभी
कोशिश कीजिए दादी अम्मी। बहुत अजमत वाला है दादी अम्मी, उसकी शान निराली है। कोशिश कीजिए और बोलिए बोलिए। अपनी दुआ के लिए कोशिश कीजिए। हैदर, खुदा का शुक्र है कि तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे बेटा। बेटा, खुदा खैर करे। दुआ को बहकाने से जी भर गया है क्या आपका, जो मुझे बहकाने आई है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाएगी। बहुत जरूरी बात है, मेरी बात तो सुन लो। किसी की जिंदगी का सवाल है। आप जैसे खुदगर्ज इंसान को किसी की जिंदगी की परवाह कैसे होने दी? दुआ को बहकाकर आपने उससे वो गुनाह कर पाया जिसकी कीमत हम चाहे भी तो कभी चुका नहीं सकते हैं। पहले मुझे इस बात का गम था कि मेरे अपनों ने गजल की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस बात का अफसोस है कि मैं खुद उसका गुनहगार बन चुका हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हैदर प्लीज, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। हैदर, मुझे कोई बात नहीं सुनी आपकी। आप समझ रही हैं मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूं? मुझे तो फिलहाल कमिश्नर को फोन करना है। आप कमिश्नर ही गजल को बचा सकते हैं, कमिश्नर को फोन करना पड़ेगा मुझे। हैदर ने पुलिस को खबर दी तो गजल हैदर से निकाह नहीं कर पाएगी। कमबख्त मेरे बेटे को जान से मार देगी। गजल ने मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। क्या? हाँ, एक मिनट, ये देखो। ये वीडियो कहां से मिला आपको?
औलाद की मोहब्बत मुझसे क्या क्या करा रही है। रूहान को बचाने के लिए दुआ की जिंदगी बर्बाद करने में मैं उस गजल का साथ दे रही हूँ। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। अल्लाह ये क्या सतम है, ये क्या सतम है। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ जिसने हमेशा इस घर का भला चाहा, मेरे बच्चों को सगे से भी ज्यादा प्यार दिया। दुआ मैं दुआ को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं उसे कैसे बताऊंगी कि उसे और हैदर को अलग करने में मैं भी हिस्सेदार हूँ, मैं भी उस गजल का साथ दे रही हूँ। मैं उसे कैसे बताऊंगी कि जाने गुलनाज बेगम ने हैदर को वो वीडियो दिखाया होगा कि नहीं। ऐसी हालत में मुझे देखकर भी अगर हैदर का दिल नहीं पिघला तो क्या करूंगी मैं, और अगर तुम्हारे उसे यहाँ आने से रोक लिया तो मेरा क्या होगा। एक तो ये रेत मौत बनकर मुझ पर बरस रही है, अगर मैं यहीं पर दफन हो गई तो मैं वैसे नहीं मर सकती। ये बोरी का छेद भर तो नहीं गया, ये रेत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। नहीं नहीं बचाओ, बचाओ। वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो गजल जिंदा नहीं बचेगी।